आपण सगळी मिळून जाऊन एनसी करू यांचं। आज सुबह सबका लाइट मीटर जीएबीयू से बिना बोले लाइट मीटर कट किया गया है। महावितरण से क्यों हुए लोग परेशान? इस समय हम विरार ईस्ट के बिजली विभाग यानी महावितरण के ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। ये ऑफिस है, यहाँ पर बिजली का बिल भी भरा जाता है। और जिस तरह से बताया जाए, इन दिनों विरार में लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी नाराज़ हैं बिजली विभाग महावितरण की कार्रवाई को लेकर। आपको पता है महाराष्ट्र में लॉकडाउन घोषित है और लॉकडाउन के दरमियान लोगों को काम पर जाने नहीं मिल रहा है, वहीं पर महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है और साथ ही साथ अब महावितरण की ये कार्रवाई लोगों को परेशानी में डाल रही है। जहां एक महीने का बिल नहीं भरा जाता है वहां सीधे तौर पर मीटर को काट कर ले जाया जाता है। काफ़ी लोग यहां पर है, मौजूद हैं। कोई तो बिल ज़्यादा आने की वजह से परेशान है, किसी ने बिल भरा है उसके बावजूद भी मीटर काट दिया गया है, और किसी किसी को तो इतना बिल आया है कि वो उसके क्षमता से बाहर है। बुजुर्ग इंसान ने ऑनलाइन भरा, एक लेडीज ने 26 तारीख को लाइट बिल भरा, उसका भी लाइट में मीटर कट करके चले गए और बोल रहे 226 रुपए भरने के लिए। क्यों 226 रुपए हम लोग भरेंगे? लोगों के मन में अब ये प्रश्न उठ रहा है कि घर परिवार पाले या फिर बिजली का बिल भरें। रोटी कपड़ा और मकान की तरह बिजली भी हमारी बेसिक नीड में शामिल हो गई है और यही वजह है कि बिजली के कटने पर लोगों में काफ़ी नाराजगी नज़र आ रही है। आइए जानते हैं लोगों से क्या है पूरा मामला। बोलिए सर, क्या? हाँ, मैं विजय बहादुर यादव शाकार नगर में रहता हूँ। सर, मेरा ये प्रॉब्लम है कि जब लॉकडाउन लगा था तब इन्होंने बिल हमको पर मंथ जो है 180-200 रुपए के हिसाब से भेजते थे, और उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो दिसंबर माह में इन लोगों ने मुझे 4820 रुपए बिल भेजा। तो हमने उसको जो है इनसे इंक्वायरी किया तो कहे नहीं, आपको जमा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मार्च में इन्होंने 5300 भेजा, तो मैंने 5300 मीटर काटने गए तो मैंने उसको पेड कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने जो है 250 रुपये भेजा, वो भी मैंने पेड कर दिया और वो मीटर रीडिंग नहीं की। उसके बाद अभी लास्ट में इन्होंने जो है 2570 रुपये इन्होंने जो है भेजा है। अब इसमें कह रहे हैं ये 4 महीने का डिवाइड हो गया, 1820 रुपये आपको भरना है। नहीं तो ये जो मीटर रीडिंग का है आपका, ये मीटर रीडिंग अगर तो रीडिंग भी नहीं दिखा रही है, यहाँ रीडिंग नहीं दिखा रही है, ये हमने जमा किया 250 रुपए जमा किया, यहाँ भी रीडिंग नहीं है, 5300 रुपए मैंने पेड किया। हाँ, ये बिल बताइए। हाँ, यही मैंने लास्ट में जो है 5300 रुपए बिल है, इस पर मीटर की कोई रीडिंग नहीं है, लेकिन ये बिल जो है इसका अमाउंट है 5300 रुपए। ठीक है, ये लॉकडाउन में आया हुआ, लॉकडाउन के मार्च महीने में मैंने पेड किया है। मार्च में पेड किया है इसको, वरना मीटर काट काट ले। हाँ, काट ले जा रहे थे तो हमने जो है उसको पेड कर दिया। अभी क्या कह रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं कि अभी आपको इतना जो है 2570 रुपए अभी इस महीने का आया हुआ है, जो कि मैं बीच में जमा कर दिया हूँ। अभी माइनस अगर करेंगे ये और ये सब माइनस करेंगे, अगर 60 यूनिट से 180 यूनिट माइनस हो जाएगा, 180 यूनिट का हमको पैसा देना है। अब 180 यूनिट का पैसा इन्होंने 1820 रुपए जोड़ा है और ये आपको इतना भरना है। हाँ, 1820। अगर आप अगर नहीं आए होते यहाँ पर या इनसे शिकायत नहीं करते, तकरार नहीं करते, तो आपको 2570 रुपए भरना था। ये तो एक तरह से ऐसा है कि मतलब अगर आप बोलोगे तो आप बचोगे, आप नहीं कहोगे, आप नहीं बोलोगे तो आपको उतना भरना पड़ेगा। बोलने के बावजूद भी कर रहे हैं वो जो माइनस है, हमने जितना आपने पेड किया था, यूनिट हमारा माइनस नहीं कर रहे हैं, केवल पैसा माइनस कर रहे हैं, इतना पैसा हम आपका माइनस कर दिया। लॉकडाउन में आप काम पर जा पा रहे थे या नहीं? उसके बावजूद उन्होंने कोई रियायत दी है क्या? कुछ मतलब कुछ नहीं, नहीं भर पाओगे तो थोड़ा नहीं, नहीं कुछ भी रियायत नहीं, कोई भी रियायत नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने डायरेक्ट बोला अगर मार्च में आप नहीं करोगे, जो कि हमारा ये डेट था 6 तारीख तक जमा करने का, इन्होंने 28 फरवरी को ही गए मीटर काटने। हमने कहा भाई अभी हमारे पास 4 दिन का समय है, मार्च एंडिंग है तो हम मार्च में जमा करेंगे। कहे नहीं, अगर शाम तक नहीं आप भरते हो तो मीटर काट लेंगे। तो हमने जो है तो शाम को जो है व्यवस्था करके ऑनलाइन तरीके से चल रहा है कि लोगों में अभी सुनने आ रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि घर के नीचे वो जा रहे हैं और मीटर सीधे काट दे रहे हैं बिना किसी नोटिस के। आपको कोई नोटिस आई? नहीं, हमको कोई नोटिस नहीं आए थे, डायरेक्ट वो आए थे हमारे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बताया भाई आपका मीटर कटने वाला है, आप क्या करोगे, इनका क्या मैटर है। तो हमने कहा भाई पेमेंट बाकी है जो है, और हम जो है अभी हमारा 4 दिन बाकी है, 4 दिन बाद हम पेट। उन्होंने कहा नहीं, बोले कहे कि हमको आज ही काटना है, अगर शाम तक आप पेट करते हो ठीक है, नहीं तो हम शाम को दोबारा आके काट ले जाएंगे। तो हमने उनको जाने से जैसे गए वैसे हमने ऑनलाइन पेट कर दिया। तो खैर ठीक है, आपके बोलने पर आप देखिए यहाँ पर देखिए ये साइन और ये स्टैंप है यहाँ नीचे,
और ये देखिए ये 2570 का बिल था, इसे अभी 1820 किया गया है। मतलब अगर आप शिकायत करोगे और आप इसके ऊपर कुछ बोलोगे तो ही कम होगा, वरना ये कुछ भी बिल दे देंगे इस तरीके से। सरकार का आदेश है कि घर पर रहें और बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। लेकिन क्या बिजली कटौती हो जाने के बाद भी लोग अपने घर पर रह सकेंगे? ये बड़ा प्रश्न है। कैमरामैन रॉकी के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।